टैंड कस्टमर वैल्यू कस्टमर वैल्यू किसे कहते हैं एंड लॉस अवर्जन थेरी कस्टमर वैल्यू बेसिकली रेफर्स टू वॉट द कस्टमर बिलीव शी और ही गेंस फ्रॉम द परचेज कंपेयर्ड विद वॉट इज गिवन अप के जो वो पैसे दे रहा है उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है तो एक जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें एक एक्सचेंज एक होता है आप एक वैल्यू पे करते हैं उसके नतीजे में एक वैल्यू रिसीव करते हैं अब जो वैल्यू रिसीव कर रहे हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं और फीचर्स हैं उस प्रोडक्ट के जो कि आपकी किस ना किसी न किसी नीड को या रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो यू यू हैव ए कंपैरिजन के व्हाट आई एम पेइंग एंड व्हाट आई एम रिसीविंग इन रिटर्न प्राइस पेड एज वेल एज स्विचिंग कॉस्ट स्विचिंग कॉस्ट का मतलब यह है कि अगर आप किसी एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में शिफ्ट हो रहे हैं तो मे बी देर इज़ सम एक्सपेंडिचर यू हैव टू इनकर इन ऑर्डर टू ट्रांसफर एंड स्विच टू द न्यू टेक्नोलॉजी तो वो भी एक प्राइस है जो कि आफकोर्स आप प्रोडक्ट के तब्दीली के तौर पर आपको आ, पे करनी पड़ रही है

जो टेक्नोलॉजी उसके पास है इस टेक्नोलॉजीज पर मबनी जो प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करेगा वो किसको बेचनी है तो जब वो आ, एक सेगमेंट को इनिशली प्रोब कर रहा है तो एक और एलिमेंट उसके जेन में हमेशा रहता है वो ये है कि ये हो सकता है कि जो इनिशियली प्रोडक्ट बने आ, उसके साथ कुछ टेक्नोलॉजिकल इशू हो नंबर वन नंबर टू ये भी हो सकता है कि आ, वो जो पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा था उस प्रोडक्ट के जो आ, सम फीचर्स थे वो इस प्रोडक्ट में इस नई टेक्नोलॉजी में कवर ना होते हों तो वो एक पॉसिबल ड्रॉबैक्स आप वो समझेगा इस नई प्रोडक्ट के तो आपको उस एंटरप्रेन्योर को उस सेगमेंट की तलाश है जो कि ये प्रोडक्ट ट्राई भी करे और इसके जो पॉसिबल ड्रॉबैक्स हैं उसको इग्नोर भी करे तो आ, इसके साथ साथ एक और एलिमेंट है जो कि रिलेटेड है विद विद आइडेंटिटी ऑफ सच ए सेगमेंट और वो है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन कहते हैं कि ये एक अहम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है people evaluate the attractiveness of any alternative based not on its objective or real value but on its subjective or perceived value यानी yani के वो एक खास purpose के लिए product बनाई गई है उसका जो objective है आ, वो एक नई technology के जरिए आपके जो needs हैं उनको बेहतर तौर पे पूरा करना है एफिशिएंट तौर पे पूरा करना है ताकि आपकी कॉस्ट भी कम हो सके और क्वालिटी भी बेहतर प्रोड्यूस हो सके अच्छा ये तो इसकी ऑब्जेक्टिविटी है लेकिन लोग यूजुअली इसको इस तरह से नहीं लेते वो इसको आ, आ, जो एट्रीब्यूट्स हैं बंडल ऑफ एट्रीब्यूट जो के प्रोडक्ट लेकर आ रही है उसको कंपेयर करते हैं जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं उसके साथ कि इन एट्रीब्यूट्स में उन वो एट्रीब उस प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट जो ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर रहे थे उसकी नस्बत बेहतर हैं या कम हैं और कौन सी चीज़ें जो, कौन सी फैसिलिटीज़ जो हम हमें प्रीवियस प्रोडक्ट दे रही थी इस प्रोडक्ट में नहीं हैं और कैसे ये प्रोडक्ट अगर बेहतर है तो कैसे बेहतर हो सकती है अच्छा फिर इसको वो मीन्स टू एन एंड थेरी वाली भी बात की जाती है कि जो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उसके ज़रिए आप अपनी कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश कर रहे थे और ये जो प्रोडक्ट आ रही है ये कैसे उन मेरी उस नीड को पूरी करेगी जो कि प्रीवियस प्रोडक्ट से कुछ हद तक पूरी हो रही थी तो ये प्रोडक्ट उस उस हवाले से कैसे कंपैरेटिवली बिहेव करेगी तो ये एक साइकलॉजिकली आप सोचते हैं कि लड़से कोई अगर आप नया सेलफोन भी ले रहे हैं या कोई नया लैपटॉप ले रहे हैं कोई नया डेस्कटॉप ले रहे हैं तो यूजुअली यू आर कन्विन्स कि मैं जो कर रहा हूँ जो जिस जो चीज़ का जिस चीज़ का मुझे आदत पड़ गई हुई है इस्तेमाल कर रहा हूँ वही बेहतर है और अगर कोई नई उसकी जगह टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट आती है तो ये सवाल आप सोचते हैं कि हाउ माई रिक्वायरमेंट्स वुड बी फुलफिल्ड बाय दिस न्यू टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो है वो जो पिछले बेनिफिट इस्तेमाल कर रहा था उसी से भी जाऊं और ये नई प्रोडक्ट लेके जो है मुझे मुझे मसला ज़्यादा हो और फ़ायदा कम हो तो दैट टाइप ऑफ रिस्क यूजुअली

इन दोनों को इन गेन्स और लॉसेस को कंपेयर करता सेकंड कस्टमर्स वैल्यूट द न्यू एप्लीकेशन रेलेटिव टू देयर करंट सॉल्यूशन जो अभी सॉल्यूशन वो इस्तेमाल कर रहा है इफ़ दे आर हैप्पी विद देयर करंट ऑल्टरनेटिव एंड फील द एक्स्ट्रा वैल्यू फ्राम द न्यू एप्लीकेशन इज स्मॉल दिल नॉट चेंज अगर उसको ये पता लगता है या uh, वो कोई प्रैक्टिकल uh, वैल्यूएशन uh, नहीं करता एक सेकोलॉजिकल एक सुपरफिशल वेलुएशन करता है कि मैं जो अभी कर रहा हूँ और मैं हैप्पी हूँ उसके साथ तो ये ना हो कि मैं नहीं जो टेक्नोलॉजी अडोप्ट करूँ तो उससे आ, मुझे आ, नुकसान पहुँचे तो नुकसान को ऐसे देखता है कि मुझे अभी जो प्रेजेंट एप्लीकेशन है उससे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि नई एप्लीकेशन में नहीं होंगे और फिर नई एप्लीकेशन में कौन से नए बेनिफिट्स होंगे तो so, अगर उसको लगता है कि ये जो अडिशनल बेनिफिट्स हैं ये थोड़े हैं और जो मैं बेनिफिट्स छोड़ रहा हूँ वो ज़्यादा हैं तो वो शिफ्ट नहीं करेगा तो दिस इज़ ए रिस्क अवर्स कस्टमर सिचुएशन दैट एन एंट्रपेन आल्सो नीड्स टू कीप इन माइंड व्हेन ही इज़ स्ट्रेटजाइजिंग टू फाइंड आउट द सेगमेंट फॉर विच इट इज डिवेलपिंग दैट एप्लीकेशन फॉर सर्टन प्रोडक्ट और सर्विस